ओम शांति। 28 मई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं आज के मधुर मुरली का सार। मीठी मीठी प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप है सर्व संबंधों के प्यार के सकरीन। एक मीठे माशू को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। प्रश्न, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? उत्तर, बाबा ने कहा, भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो, बुद्धि से एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाए, कोई भी देहधारी संबंध याद ना आए, तब कर्मातीत बनेंगे। अपने को आत्मा भाई भाई समझना, यही पुरुषार्थ की मंजिल है। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि, विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति। डबल कैसे है? यह तो तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बाप भी बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। पहले तो बाप का निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यूं तो लौकिक रीति से अलग अलग होते हैं, माता पिता अलग, टीचर जवानी में अलग, गुरु बाद में 60 वर्ष की आयु में अलग। तो बाबा महावाक्यों में कहते, लौकिक रीति से अलग अलग होते हैं, टीचर जवानी में किया जाता है, गुरु 60 वर्ष की आयु के बाद करते हैं। यह तो जब आते हैं तीनों ही इकट्ठी सर्विस करते हैं। टीचर बन पढ़ाते हैं, पिता बन पालना करते हैं और गुरु बन सदगति करते हैं। तो बाबा एक साथ आते हैं और एक साथ इकट्ठी तीन सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं छोटे बड़े सब पढ़ सकते हैं, बच्चों की ब्रेन अच्छी फ्रेश हो जाती है। यह तो बच्चे समझ गए, छोटे बड़े सब जीव की आत्मा जरूर है, चाहे फिर वो 2 वर्ष का बच्चा हो और चाहे 100 साल का बूढ़ा हो, लेकिन है तो पाठ बजाने वाली आत्मा, परमात्मा की संतान। तो बाबा कहते हैं, है तो सब जीव है ना, जीव में प्रवेश किया तो सब जीव की आत्मा जरूर है। आत्मा जीव में प्रवेश करती है, आत्मा और जीव में फर्क तो है ना। यहाँ तुम बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, बाकी शरीर यहाँ भ्रष्टाचार से पैदा होता है, विकारों से। जब बाबा हमें निर्विकारी बनाते हैं तो फिर योग से होता है। बहुत सारे मनुष्य आत्मा इस बात पर विश्वास नहीं करते, तो बाबा ने ऊपर में ही लिखा है कि पहले बाप पर निश्चय हो, है ना। बाबा पर निश्चय होगा तभी तो फिर आप ज्ञान को लेकर के उसे धारण करेंगे, है ना, नहीं तो मुश्किल है। तो बाबा कहते, बाकी यहाँ शरीर यहाँ भ्रष्टाचार से पैदा होता है, वहां तो भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं होता। गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी अक्षर है ना। जब श्रेष्ठाचारी है तो भ्रष्टाचारी कोई भी उधर हो ना सके। यह सब बातें बाप ही समझाते बच्चों को, सिर्फ यह पक्का निश्चय हो जाए कि हम आत्माओं का बाप, हमको पढ़ाते हैं। बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, जब आत्मा पुरुष उत्तम बनती, परमात्मा ही दुनिया का एक ऐसा पढ़ाने वाला टीचर है जो बुद्धि को, मलिन बुद्धि को, मैली बुद्धि को, गंदी बुद्धि को, है ना, अजामिल जैसे मैली कहते हैं ना, इतनी अपवित्र बुद्धि को, मनसा वाचा कर्मणा, इस आत्मा ने कितना कुछ किया शरीर को लेकर के, उस सब को धोने वाला ज्ञान सूर्य का प्रकाश, शीतल अग्नि में ये पाप विकर्म सब कुछ दग्ध होता है। परमात्मा ही एक ऐसा एवर प्योर है जो बुद्धि को प्योर बनाता है, फ्रेश करता है, है ना। तो बाबा कहते, इस तरह निश्चय होना चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला बाप है
और बाप ही आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो इससे सिद्ध होता है कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह दुनिया ही कनिष्ठ तमो प्रधान है, इसको रौनक कहा जाता है। अब हमको वापस जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझो। बाप आए हैं लेने लिए, हम भाई भाई हैं यह पक्का निश्चय कर लो। यह देह तो रहेगी नहीं, फिर विकार की दृष्टि खलास हो जाएगी। यह है बड़ी मंजिल, इस मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते हैं। मेहनत पिछाड़ी में कोई भी चीज याद ना आए, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। यह देह भी विनाशी है, इससे भी ममत्व निकल जाए। पुराने संबंध में ममत्व नहीं रखना है, अब तो नए संबंध में जाना है। पुराना आसुरी संबंध स्त्री पुरुष का कितना ची ची है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, अब वापस जाना है। आत्मा आत्मा समझते रहेंगे तो फिर शरीर का भान नहीं रहेगा, स्त्री पुरुष की कशिश निकल जाएगी। लिखा हुआ भी है अंतकाल जो स्त्री से मरे, ऐसे चिंतन में जो मरे, इसलिए कहते हैं अंतकाल गंगा जल मुख में हो। परमात्मा का जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान यही कहता है कि सिर्फ और सिर्फ अंत गति कहते ना, अंत मति सुगति। तो बाबा की जब आपको याद रहेगी तब आप सदगति में जाएंगे, है ना। दुर्गति में है अभी, तो स्त्री को सिमरेंगे तो कैसे जाएंगे। इसीलिए गंगा जल का बात कहा मुंह में डालो तो श्री कृष्ण की याद हो, ऐसा कहते हैं अंतकाल गंगा जल मुख में हो, श्री कृष्ण की याद हो। भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण की याद रहती है, श्री कृष्ण भगवान बाज कह देते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं देह को भी याद नहीं करना है, वो तो देहधारी है। अपने को आत्मा समझो और सब तरफ से दिल हटाते जाओ। सभी संबंधों का प्यारे में जैसे स्क्रीन हो जाता है, सबका मीठा और फिर सबका माशुक भी है, माशुक एक ही है। परंतु भक्ति मार्ग में ना आप कितने रख दिए हैं, भक्ति का विस्तार बहुत है। यज्ञ तप दान तीर्थ व्रत करना, शास्त्र पढ़ना, मंत्रोच्चारण करना, ना जाने किस तरह के कितने मंत्र बना दिए हैं। संस्कृत में ही भगवान खुश होते और एक ही मंत्र को बार बार उच्चारण करने में जब आपकी बुद्धि खराब हो सकती है तो क्या परमात्मा बार बार वही सुन करके कान बंद नहीं कर लेते होंगे। तो इतना विस्तार कर रखा है, कहते हैं उनकी संस्कृत भाषा पढ़ो, संस्कृत में ही मंत्रोच्चारण करो। यदि परमात्मा की भाषा संस्कृत या कोई भी किसी प्रकार की भाषा होती तो आज जो गूंगे जो बहरे पैदा होते हैं जन्म से, उनकी बात कभी परमात्मा तक नहीं पहुंचती। परमात्मा की कोई भाषा नहीं है, बाबा ने मुरली में क्लियर कर दिया है कि मेरी भाषा है ही नहीं। मैं तो तुम आत्माओं को शरीर ले लिया है, इसीलिए जिसके तन में आता हूँ उसकी भाषा में समझाता हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं भक्ति की सामग्री है ज्ञान की सामग्री तो कुछ भी नहीं है, यह भी तुम नोट करते हो समझाने के लिए। बाकी तुम्हारे कागज आदि कुछ भी रहेंगे नहीं, पहले भी बाबा ने कह दिया। कितना कुछ बाबा ने बताया कि जब पाकिस्तान से ब्रह्मा बाबा शिफ्ट हुए थे तब कितना कुछ था, लेकिन वहां पे ही डिस्ट्रॉय कर दिया। कितना कुछ लेकर के रखेंगे, बाबा कहते यहाँ कोई लिखावट की बात ही नहीं है। बिना कलम बिना डायरी जो भाग्य लिखे वो भाग्य विधाता है ना। और जो कर्मों का राज रखे, जो कर्मों की गुहा गति को जाने, वो धर्म राज साथ साथ बाबा का राइट हैंड बनकर चलता है। जो बिना कलम बिना डायरी आपके विकर्मों का कर्मों का हिसाब किताब रखता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं यह जितना भी जो कुछ भी है ना वो रहेगा नहीं, सामग्री तो कुछ भी नहीं है नहीं। तो ये तुम नोट करो ना कि कुछ भी नहीं रहेंगे। बाप समझाते हैं बच्चे तुम शांति धाम से आए थे, शांति थे, शांति के सागर से तुम शांति का पवित्रता का वर्षा लेते हो। अभी तुम वर्षा ले रहे हो ना, ज्ञान भी ले रहे हो,
स्टेटस सामने खड़ा है। यह ज्ञान सिवाय बाप के और कोई दे ना सके। यह है रूहानी ज्ञान। रूहानी बाप एक ही बार आते हैं रूहानी ज्ञान देने लिए। उनको कहते भी हैं पतित पावन। सुबह को बच्चों को बैठ ड्रिल कराते हैं। वास्तव में इसको ड्रिल भी नहीं कहा जाए। बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद कर। कितना सहज है। तुम आत्मा हो ना। कहाँ से आए हो? परम धाम से। माँ के गर्भ में शरीर बनता है। आत्मा आती है माँ के गर्भ में प्रवेश करती है तो वो यहाँ रहती नहीं है, वो आती है। शरीर यहाँ बनता है तो उसे यहाँ ही छोड़ना पड़ता है और जो जहाँ से आया वो वहाँ जाता है। लेकिन जब तक आदि से अंत तक का ड्रामा आत्मा का पार्ट पूरा ना हो जाए जब तक वो घर जा ना सके, है ना, यहाँ ही जन्म लेना होता है। जब स्वर्ग में बाबा भेजते हैं तो स्वर्ग में जन्म लेते हैं, यहाँ तो नर्क है। तो बाबा कहते कितना सहज है, तुम आत्मा हो, कहाँ से आए हो? परम धाम से। तो ऐसे और कोई भी पूछेंगे नहीं। पारलौकिक बाप ही बच्चों से पूछते हैं। आप हद में किसी से पूछेंगे तो वो अपना शरीर का नाम बताएगा, शारीरिक माता पिता, शरीर रूपी जो माता पिता है उनका नाम बताएगा, अपना जॉब बताएंगे, अपने बच्चों का नाम बताएंगे, जिस जगह रहते हैं वो। तो असल में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहाँ परमात्मा विश्व को एक परिवार, परमात्मा अपने सभी आत्मा बच्चों को देखते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं सर्व मनुष्य आत्माएं एक पिता की संतान है, विश्व एक परिवार है। परमात्मा सबका बेहद का बाप है और परम धाम घर का एड्रेस है और आप आत्माएं आपस में भाई भाई हो, बस इतना ही है। तो बाबा कहते हैं यहाँ सिर्फ मुसाफरी करनी, जिसका जिस दिन तक जिस वक्त तक पाठ होता है उस वक्त तक वो शरीर में रहते फिर दूसरे में चले जाते। तो इस तरह से बच्चों का पाठ आत्माओं का बाबा ने बताया। बाबा कहते हैं मनुष्य मनुष्यों में ही आते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई चील कौआ सांप बिच्छू बन जाते हैं। वो डराने के लिए ऋषि मुनि साध्वी साधना करते थे, वो सब बोलते थे ताकि उनको कहीं ना कहीं प्योरिटी की वजह से यह आभास होता था कि आने वाले कलयुग काल में ऐसे ऐसे पाप होंगे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और इस नाते उन्होंने हमेशा डराया कि आप ऐसा करेंगे, पाप करेंगे तो आपका जन्म ऐसे ऐसे होगा और आपको सजा भोगनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो उसके बाद में उसके साथ में कोई ऐसे नहीं होता कि जलती हुई तेल की कढ़ाई में डाला जाए कुछ हो, क्योंकि आत्मा बिना शरीर, शरीर बिना आत्मा कुछ भी नहीं है, है ना। तो उसे क्या, कुछ भी नहीं, वो तो शांत, उसका शांत स्वरूप ही है। तो बाबा कहते हैं ये डराने के लिए ऋषि मुनि कहा करते थे, लेकिन जब मनुष्य पाप करने से नहीं हुआ, पाप करते गए, बढ़ते गए, करते गए, और जब उनको किसी ने नहीं रोका तो वो और बढ़ते गए, है ना। आत्मा सो परमात्मा कह दिया। अगर आत्मा सो परमात्मा होता तो जब भी कोई मनुष्य आत्मा पाप विकर्म कुछ करती तो परमात्मा की शक्ति उसे रोकती, जब उसके अंदर परमात्मा भी है तो। तो बाबा कहते ये सब बातें कह दी हैं किसी को डराने के लिए, लेकिन पाप तो जास्ती होना ही है क्योंकि अति होगी तब अंत होगा। नरक से ही होकर द्वार स्वर्ग का खुलता है। तो ये तो पाठ है, ऐसा ही चला, ऐसा ही चलेगा और ऐसा ही चला था। तो बाबा कहते इस तरह आप परम धाम के हो, अब क्या है, आए हो ना परम धाम से, तो इस शरीर में पाठ बजाने, पाठ बजाते बजाते अब नाटक पूरा हुआ। आत्मा पतित बनी तो शरीर भी पतित बना। सोने में ही अलाय पड़ती है, फिर उनको गलाया जाता है। वह सन्यासी लोग ऐसे अर्थ कभी नहीं समझाएंगे। आत्मा पाठ बजाते बजाते क्या पड़ गई उसमें, सोने में जैसे अभी देखो कितना कुछ मिक्स करके बनाते हैं, फिर जब आप वापस करने जाते हो, रिटर्न करने जाते हो गोल्ड ज्वेलर्स के पास में, तो वो आपके सामने ही उस सोने के ऑर्नामेंट्स को पिघलाता है और गोल्ड को एक तरफ करता है, और जो उसमें अशुद्धियां होती हैं, जो भी उसमें तांबा पीतल जो भी मिक्स रहता है कॉपर, वो
हटाकर आपको दिखाता है कि ये असली है और ये नकली है ना। तो सोने को पिघला करके फिर लिक्विड बना करके उसका गोला अलग बनाते हैं और जो उसमें अनप्यूरिटी है वो हटा देते हैं। तो ऐसे ही आत्मा क्या हुई है, बार बार पार्ट बजाते अनप्योर हो गई है। अब इस अनप्योर को प्योरिटी में बदलने के लिए क्या करना है, जो हरी होना है ना, जो समझ सके पहचान सके कि इसके अंदर क्या अशुद्धता है, तो वो जौहरी तो सिर्फ परमात्मा ही है। अब आत्मा में जौहर कैसे भरेगा, जब उसके पास आप रहेंगे जाएंगे है ना, उससे मन मिलाएंगे, जब मन का मेल होगा तो उसका जो संग का रंग होगा वो चढ़ेगा। तो ऐसे बाबा मुरलियों के महावाक्यों में आप बच्चों की बुद्धि को शुद्ध करने के लिए युक्ति भी देते हैं, याद का भी पाठ पढ़ाते हैं, ज्ञान का भी पाठ पढ़ाते हैं, धारणा का भी पढ़ाते हैं, कैसे आप मनन चिंतन करेंगे, कैसे श्रेष्ठ संकल्पों में आप टिके रहेंगे, स्वमान है ना, स्वमान में टिकना है ना, ऐसे नहीं है। आपके कमजोर जो संस्कार है वो कैसे खत्म होंगे, जब आप परमात्मा के महावाक्यों को सुनकर कमजोर संस्कारों को श्रेष्ठ संस्कारों, श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से उसको वजन में नीचे रखेंगे तब, है ना। तो वही तो माया है, कमजोर संस्कार माया है। तो बाबा कहते इस तरह सन्यासी लोग ऐसे सब नहीं समझाएंगे, वो तो ईश्वर को जानते ही नहीं, नैति नैति कह देते बाप से योग रखो, यह मानते ही नहीं। बाप जो सिखलाते हैं वह और कोई सिखला ना सके, इसमें तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी होती है। बाप तो कितना सहज करके समझाते हैं, गाते भी हैं, पतित पावन है, सर्वशक्तिमान है, उसे ही श्री श्री कहा जाता है और श्री कहा जाता है देवताओं को, उनको शोभता है, उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। आत्मा को तो कोई निर्लेप कह ना सके, आत्मा ही 84 जन्म लेती है, लेपछेप भी उसी में लगते हैं, वही देवता वही मनुष्य बनती है। तो मनुष्य परंतु मनुष्य ना जानने के कारण अनराइटियस बन पड़े हैं। एक बाप ही आकर राइटियस बनाते हैं, रावण अनराइटियस बनाते हैं, चित्र तो तुम्हारे पास है, बाकी ऐसा दशरथ वाला रावण कोई होता नहीं। सतयुग में तो रावण है नहीं, यह तो क्लियर है, परंतु जो सुनने वाले होंगे वह कहेंगे यहाँ का सैंपलिंग है। कोई थोड़ा सुनेंगे, कोई बहुत भी सुनेंगे। भक्ति मार्ग का देखो विस्तार कितना है, अनेक प्रकार के भक्त हैं, और फिर पहले से ही सुना है, भगाते थे श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना, भगाया, फिर ऐसे श्री कृष्ण को प्यार क्यों करते हैं, पूजते क्यों है। दूसरे कंट्री में आप चले जाओ तो हिंदू के भगवान जो मानते थे है ना, देवी देवताओं की बहुत ग्लानी की है, क्योंकि उसमें फिर देखो आप कहीं कहीं जो मूर्तियां हैं ऐसे ऐसे, तो नीचे काम वासना ऊपर देवी देवताओं का चित्र दिखाया है ना, तो देवी देवता अहिंसक हैं, तो फिर कैसे किसी तरह का वो विकार में या किसी तरह की मार काट कर सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ना, जो आपके मन के संकल्प हैं, किसी के प्रति अशुभ भावना है, किसी के प्रति द्वेष घृणा है, वो भी तो अहिंसा है। विकार जो है जितने जिसके प्रति जिसके लिए, वो भी तो अहिंसा है, है ना। हिंसा अहिंसक को तो बाबा ने उन्हें कहा जो विकार किसी भी प्रकार का ना हो, ना बाहुबल का और ना अंतर्मन का, मनसा वाचा कर्मणा एकदम प्योर, एक रस स्थिति, उसे बाबा ने अहिंसक कहा। माफी बाबा हिंसा कह दिया। तो बाबा कहते हैं अहिंसक जो देवी देवता थे, तो वो ये हिंसा कैसे कर सकते, फिर देखो चित्रों में कैसे कैसे डाल दिया है ना, ये कृष्ण की इतनी पटरानियां थी, ऐसे ऐसे रासलीला ऐसे ऐसे गोपियों के साथ करते थे, चोरी करते थे। अरे जो विश्व का राजपाट जिसके हाथों में हो, वो क्या चोरी करके माखन खाएगा तो बाबा कहते श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना, भगाया, फिर ऐसे श्री कृष्ण को प्यार क्यों करते, पूछते क्यों हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है, वह तो कितना बुद्धिमान होगा, सारे विश्व का मालिक क्या कम बुद्धिमान होगा, वहां उनको वजीर आदि होते नहीं, राय लेने की दरकार नहीं, राय लेकर तो संपूर्ण बना है,
विश्व पिता परम पिता की राय से, तो फिर राय क्या लेंगे? तुमको आधा कल्प कोई की राय नहीं लेनी होती है। स्वर्ग और नर्क का नाम भी सुना है, यह तो स्वर्ग हो ना सके। पत्थर बुद्धि है जो समझते हैं यहाँ हमको धन है, महल है, महल आदि सब है, यही स्वर्ग है। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग तो है नई दुनिया। स्वर्ग में तो सब सदगति में होते हैं, स्वर्ग नर्क खच्चा थोड़े ही होगा। जब राम राज्य है तो रावण राज्य नहीं, जब रावण राज्य है तो राम राज्य नहीं, लेकिन रावण राज्य में ही आकर राम को इस रावण राज्य से मनुष्य आत्माओं को छुड़ा करके उस वाटिका में ले जाना होता है, अशोक वाटिका से। अशोक वाटिका में तो वो निराकार राम प्रभु आकर के हम आत्माओं को इस रावण की गिरफ्त से सारी सीताओं को छुड़ाते हैं दुशासन। यहाँ ऐसा नहीं है कि जो मेल है वही भिकारी है उसे ही दुशासन कहेंगे, हर एक भिकारी को दुशासन ही कहेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं पांच नर के पांच नारी के ऐसे दस शीश रावण के दिखाया, वो कैसे दिखाए, दस शीश में ही दिखा दिया, है ना। तो जो भी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जो थे पांच पांच, ऐसे दस शीश हो गए पांच नर के पांच नारी के। ऐसे तो नहीं है ना कि यह नारी निर्विकारी है और नर विकारी है, तो समझना है। बाबा कहते हैं इस तरह वहां कुछ भी विकार होता नहीं, और जब विकार होता है तब निर्विकारी कोई नहीं होता। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग नई दुनिया, वहां सब सदगति में। स्वर्ग किसको कहा जाता है, उसकी आयु कितनी है, यह सब बाप ने तुम्हें समझाया है। दुनिया तो एक ही है, नई को सतयुग पुरानी को कलयुग कहा जाता है। अब भक्ति मार्ग खलास होना है, भक्ति के बाद चाहिए ज्ञान। सभी जीव आत्माएं पाठ बजाते बजाते पतित बनी है, यह भी बाप को समझाया है। तुम सुख जास्ती पाते हो, 3/4 है सुख, बाकी 1/4 है दुख। इसमें भी जब तमो प्रधान हो जाते हैं तब दुख जास्ती होता है। द्वापर में भी इतना दुख नहीं होता है जितना कलयुग में होता है, और आधे कल 2500 वर्ष तो है ही सुख, है ना। तो बाबा कहते हैं 8, 12, 21, 42 जो जन्म है वो तो द्वापर के हैं, फिर कलयुग के बाकी 67 जन्म, तो ऐसे टोटल 84 जन्म। तो जो सबसे पहले आते उसके सबसे जास्ती जन्म, फिर धीरे धीरे कमती, फिर किसी किसी के 1-2 भी जन्म। तो इसमें भी जब तम प्रधान हो जाते हैं तब दुख जास्ती होता, आधा आधा हो तो मजा ही कैसा, कैसे हो जा। यदि आपको दुख नहीं होगा तो सुख की भावना कैसे आएगी, कष्ट होगा तभी तो आप चाहेंगे कि मुझे इससे निजात प्राप्त हो, है ना। तो बाबा कहते हैं मजा तब है जबकि स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता, तब तो स्वर्ग को सब याद करते हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया का यह बेहद का खेल है जिसको कोई जान नहीं सकता, बाप भारतवासियों को ही समझाते हैं, बाकी जो सब है वह आधा कल्प में ही आते हैं। आधा कल्प में हो सिर्फ तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी, तुम पवित्र रहते हो इसलिए तुम्हारी आयु बढ़ी रहती है, और दुनिया भी नई है, वहाँ एवरीथिंग न्यू है, अनाज पानी धरनी आदि सब नया। आगे चलकर तुम बच्चों को सब साक्षात्कार कराते रहेंगे कि ऐसे ऐसे होगा, शुरू में भी हुए फिर पिछाड़ी में भी होने चाहिए, नजदीक आएंगे तो खुशी रहे खुशी होती रहेगी। मनुष्य बाहर देश से अपने देश में आते हैं तो खुशी होती है ना, और वैसे भी एक ही देश है बाकी सब विदेश, भारत देश एक बाकी सब विदेश। तो अपने देश में ले आते हैं, सबसे फर्स्ट क्लास पवित्र ते पवित्र धरनी भारत है। भारत की महिमा को तुम बच्चों के सिवाय और कोई जानते ही नहीं। वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना, उसका नाम है स्वर्ग। वह जो वंडर्स दिखाते हैं वह है सब नर्क के। कहाँ नर्क के वंडर्स, कहाँ स्वर्ग के, रात दिन का फर्क है ना। नर्क के वंडर्स भी बहुत मनुष्य देखने जाते हैं, कितने ढेर मंदिर है, वहां तो मंदिर होते नहीं, नेचुरल ब्यूटी रहती है, मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। वहां के घर आ रही मंदिरों से भी बहुत जास्ती सुंदर होते हैं। तो बाबा कहते वहां यह सब होता ही नहीं, वहां तो सब वंडर ही वंडर है, नेचुरल ब्यूटी होती है।
तो सुगंध मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं नेचुरल ब्यूटी से, सुगंध आदि की भी दरकार नहीं रहती है कि अगरबत्ती लगाओ, धूप कलश चलाओ, ऐसे सब रहते ही नहीं है, है ना, उजाला करने के लिए। अब उस जहान में कैसी लाइट, जिस जहान में खुद हीरे के महल, हीरे के जेवर पहनकर जो घूमते हो, उस दुनिया में क्या लाइट की आवश्यकता है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं सुगंध आदि की भी दरकार नहीं रहती है, हर एक को अपना अपना फर्स्ट क्लास बगीचा रहता है, फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, वहाँ की तो हवा भी फर्स्ट क्लास होगी, गर्मी आदि कभी तंग नहीं करेगी, सदैव बाहरी मौसम रहेगा, सदैव बाहरी मौसम रहेगा। अगरबत्ती की भी दरकार नहीं, स्वर्ग का तो नाम सुनते ही मुख पानी हो जाता है, पानी होता है। तुम कहेंगे ऐसे स्वर्ग में तो झट पहुंचे, क्योंकि तुम स्वर्ग को जानते हो, परंतु फिर दिल कहती है अभी तो हम बेहद के बाप के साथ हैं, बाप पढ़ाते हैं, ऐसा चांस फिर थोड़े ही मिलेगा, तो जाना नहीं चाहते, यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, वहाँ देवताएं देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ तो बाप पढ़ाते हैं, रात दिन का फर्क है, कितनी खुशी होनी चाहिए। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं, तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि हमने तो अनेक बार यह राज लिया, फिर रावण राज्य में आए। अब बाप कहते हैं तुम एक जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्म तुम पावन बन जाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे, परंतु माया ऐसी है, भाई बहन की भी दाल नहीं गलती, इसलिए बाबा ने भाई भाई की दृष्टि, उसमें भी देखोगे का चल गया है सिस्टम, तो कच्चे रह जाते, दाल गले तब, जब अपने को आत्मा समझ, भाई भाई समझो, देह का भान निकल जाए, यह है मेहनत, सहज भी बहुत है, कोई को कहेंगे बहुत डिफिकल्ट है तो उनकी दिल हट जाएगी, इसलिए इसका नाम ही है सहज याद। ज्ञान भी सहज है, 84 के चक्र को जानना है, पहले पहले बाप का परिचय देना है, बाप की याद से ही आत्मा की जंग उड़ जाएगी और पवित्र दुनिया का वर्षा पाएंगे। पहले बाप को याद करो, भारत का प्राचीन युग ही कहते हैं जिससे भारत को विश्व की बादशाही मिलती है। प्राचीन कितने वर्ष हो तो लाखों वर्ष कहते, तुम जानते हो 5000 वर्ष की ही बात है, वही राजयोग फिर से बाप सिखला रहे हैं, इसमें मूझने की दरकार ही नहीं। पूछा जाता है तुम आत्माओं का निवास स्थान कहाँ, तो कहेंगे हमारा निवास स्थान ब्रह्मकुटी है, जब हम देह में आते हैं तो आत्मा को ही देखना पड़े, यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर वहाँ ज्ञान की दरकार ही नहीं रहेगी, मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लिया, खलास। मुक्ति वाले भी अपने समय पर जीवन मुक्ति में आकर सुख पाएंगे। जब बाबा कहते हैं सब जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति, यहाँ से जाएंगे शांति धाम, और कोई दुनिया है नहीं, दो दुनिया है, एक जहाँ पाठ बजाते हैं और एक जहाँ रहते हैं आत्माएं। आत्माएं शरीर लेकर पाठ बजाती हैं, वो है जीवन, है ना, जीवन के साथ मुक्त रहना तो सतयुग और त्रेता, और बाकी फिर जो भी आएंगे पिछाड़ी में, वो भी बाबा कहते हैं वाया शांति धाम ही आते हैं, मुक्ति धाम से ही आते हैं पाठ बजाने, तो यहाँ से जाएंगे शांति धाम, और कोई दुनिया है नहीं, ड्रामा अनुसार सबको वापस जाना ही है, विनाश की तैयारियां हो रही हैं, इतना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते हैं, सो रखने के लिए थोड़े ही बनाते हैं, बारूद है ही विनाश के लिए। सतयुग त्रेता में यह चीजें होती नहीं, अब 84 जन्म पूरे हुए, हम यह शरीर छोड़ घर जाएंगे, दीपमाला पर सब नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, तुम आत्मा भी नई बनती हो, नया कपड़ा मिलता है ना, योग वाला पवित्र प्योर, तो यह है बेहद की बात, आत्मा पवित्र बनती, बनने से शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है, आत्मा रूपी दिया बिल्कुल जला रहता है, सोचरे में रहता है, और कपड़ा भी नया होता है, तो इस समय आर्टिफिशियल फैशन करते हैं, पाउडर आदि लगाकर खूबसूरत बन जाते हैं, वहां तो नेचुरल ब्यूटी होती है, आत्मा एवर ब्यूटीफुल बन जाती है, यह तो तुम समझते हो, स्कूल में सब एक जैसे नहीं होते, तुम भी पुरुषार्थ करते हो हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बने।
वहाँ कान आदि कुछ इतने नहीं, बाबा कहते जेवर ही इतने ऑर्नामेंट इतने प्यारे प्यारे होते हैं कि उसमें ही ऐसा लगेगा मानो आपके कान में बहुत सुंदर सुंदर कर्णफूल पहने हुए हैं। तो यह है तुम्हारा ईश्वरीय कुल, फिर होता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। तुम ब्राह्मणों में राजा ही नहीं है, तुम अभी संगम पर हो, तुम्हारी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती, इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी किसी प्रकार की जाप माला का वो नहीं है गुणगान, है ना। तो लेकिन फिर भी तुम्हारी बहुत बड़ाई बाबा करते हैं। तो तुम अभी संगम पर हो, कलयुग में अब राजाई है नहीं, बल कोई राजाई रह भी जाती नील तो कभी होती नहीं, क्योंकि जिसके जिसके कानों में कहाँ ज्ञान चला गया उस पर कभी ना कभी बीज पड़ा तो पानी जरूर पड़ेगा। अब तुम यह बनने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, देखेंगे हम आत्माएं भाई भाई हैं और वह है बाप। बाप कहते हैं एक दो को भाई भाई, देखो तीसरा नेत्र ज्ञान का तो मिला है, तुम आत्मा कहाँ निवास करती हो, ज्ञान चक्षु दिया बाबा ने। आत्मा भाई पूछता है आत्मा कहाँ रहती है, तो कहते हैं यहाँ ब्रकुटी के बीच, ब्रकुटी में। तो यहाँ तो कॉमन बात है, एक बात के सिवाय कुछ भी याद ना आए पिछाड़ी में, तो शरीर भी ऐसे बाप की याद में छूटे, या प्रैक्टिस पक्की करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है, कट उतार देनी है, आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना। दूसरा, एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है, एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए, यह देह भी भूली हुई हो, भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो। वरदान है शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को पवित्र परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। जब किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं, तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है। एक साथ एक स्थिति में रहकर एक संगठन माना सबके संग का गठन, जब एक तरह की सोच रखते हैं तो फिर शक्तिशाली वायुमंडल बनता है, तो उसका किला बन जाता है जो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। जैसे पांच उंगलियों के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है। इसीलिए योग भट्टी रखे जाती है एक समय में एक ही टाइम पर, महीने महीने दो दो महीने की, है ना, सहयोग की रिजल्ट सफलता है। सारे सेंटर्स में संदेश दिया जाता है तो सब जगह योग भट्टी चलती है। स्लोगन, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। अच्छा, ओम शांति।